नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, तो आज नो आपनो टॉपिक छे एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस। बीजू एनु नाम छे इंटेंशन। पर्पस के इंटेंशन नो मतलब छे इरादो, हेतु। आपणे जे कार्य करिए कोई पण एनी पाछळ आपणो हेतु होय छे। फॉर एक्जाम्पल, दरेक विद्यार्थी खूब ज मेहनत करे छे तो एनी पाछळ एनो हेतु छे सारा मार्क्स लावानो, सारा ग्रेड प्राप्त करवानो। एवी रीते दरेकना फाधर मेहनत करे छे तो एनो हेतु छे पैसा कमावानो। तो आपणे जेटला कार्य करीए छे एनी पाछळ आपणो कंई इंटेंशन छे, पर्पस छे, हेतु छे। तो एवा फंक्शन माटे आपणे आजे भणवाना छे। तो हवे पर्पस नो मतलब था हेतु, अटले हेतु दर्शक क्रिया विशेषण। बोर्ड ने एग्जाम में आपने कम्प्लीट द सेंटेन्स में आवशे शोविंग पर्पस अथवा शोविंग इंटेंशन। एना संयोजक छे सो देट। आपणे हजी एक टॉपिक आगळ भणवाना छे, एमां रिजल्ट टॉपिक आवशे, एमां सो अने देट छूटू हशे अटले जुदू जुदू हशे, अने पर्पस में ए साथे होय। बीजो संयोजक छे इन ऑर्डर धेट, गुजराती थसे जेथी करीने। तो कोई पण व्यक्ति जे कार्य करे छे एनी पाछळ एनो हेतु कयो छे ते दर्शावा माटे पर्पस वपराय छे। तो मुख्य वाक्यनी क्रियानो हेतु दर्शावे, मुख्य वाक्यनी क्रियानो हेतु दर्शावे। तो हवे आनी वाक्य रचना शुं थाय, करता क्रियापद। હવે કાઉન્સમાં આપણને શોવિંગ પર્પઝ આપવામાં આવે એટલે સો ધેટ, ઇન ઓર્ડર ધેટ, બેમાંથી એક લખવાનું, અથવા કાઉન્સમાં જે આપવામાં આવે કે સો ધેટ વાપરો તો સો ધેટ જ વાપરવાનું છે। ઇન ઓર્ડર ધેટ કાઉન્સમાં નોટિફાય કરેલું હોય, ઇન્ડિકેટ કરેલું હોય તો એ દર્શાવવાનું છે। હવે આપણે જવાબમાં શું લખવાનું છે, કરતા। તો મુખ્ય વાક્યમાં જે કરતા આપેલો છે એ કરતાનું અહીંયા સર્વનામ, પછી વાક્યના કાળ મુજબ કેન, કુડ, મે, માઇટ सहायकारक मुकवाना। तो आ क्रियापद उपरथी आपणने काळ खबर पड़े। जो आ क्रियापद वर्तमान में छे तो केन, आ क्रियापद भूतकाळ में छे तो कूड। हवे तमने खबर छे के केन, कूड, मे, माइट सहायकारक साथे हमेशा वी वन होय, एटले क्रियापद नो मूळ रूप। आपणो जवाब, तो गम्मे त्यारे सो देट, इन ऑर्डर देट यूज करवानुं थाय शोविंग पर्पज में, एटले करता पछी केन अथवा कूड, काळ प्रमाणे અને પ્લસ વી વન। હવે આપણને ખબર કેમ પડે કે આપણે જવાબમાં કઈ રીતે જવું? તો જેમ આપણે મેનર અને સપોઝિશનમાં શીખેલા કે ક્રિયાપદને હાઉથી પ્રશ્ન કરવાનો, એમ મુખ્ય વાક્યના ક્રિયાપદને આપણે વાયથી પ્રશ્ન કરવાનો, શા માટે। તો ક્રિયા શા માટે કરવામાં આવે છે એટલે આપણને આ માઇન્ડની અંદર ગુજરાતીમાં એનો હેતુ જાણવા મળશે। બીજા બે શબ્દ એવા છે વિથ અ વ્યૂ ટુ અને ઇન ઓર્ડર ટુ, એ પણ ક્રિયાનો હેતુ દર્શાવે, પણ આ સંયોજક નથી, આ ફ્રેઝ છે। શું છે? ફ્રેઝ। તો વિથ અ વ્યૂ ટુ પછી આઈએનજી રૂપ આવશે એટલે વી ફોર, અને ઇન ઓર્ડર ટુ પછી વી વન આવશે મૂળ રૂપ। આ બંને ફ્રેઝ છે, શબ્દ સમૂહ, અને સો ધેટ, ઇન ઓર્ડર ધેટ આપણા સંયોજક। તો હેતુ દર્શાવવા માટે ચાર શબ્દ છે, સો ધેટ, ઇન ઓર્ડર ધેટ સંયોજક, અને બે શબ્દ સમૂહ વિથ અ વ્યૂ ટુ અને ઇન ઓર્ડર ટુ। અને હજી એક પાંચમું પણ છે, ટુ વાળું ક્રિયાપદ જેને આપણે ઇન્ફિનિટિવ કહીએ, એ પણ હેતુ દર્શાવે। તો આ રીતે આપણે વાક્યમાં જવાનું છે। તો ક્રિયાપદને શેનાથી પ્રશ્ન કરવાનો છે? વાયથી। વાયથી પ્રશ્ન કરશું એટલે આપણને વાક્યની ક્રિયાનો હેતુ જાણવા મળશે। ચાલો, અમે વર્ક હાર્ડ, ભૂતકાળ છે, તો અમેએ ખૂબ જ મહેનત કરી, સખત મહેનત કરી, તો અમેએ શા માટે સખત મહેનત કરી? આવો જવાબ આપણે વિચારીએ પ્રશ્ન, એટલે આપણા માઇન્ડની અંદર આવશે કે સારા માર્ક્સ માટે, સારી જોબ પ્રાપ્ત કરવા માટે, કોઈ પણ હેતુ તમારા માઇન્ડમાં આવશે। હવે આપણે પહેલું વાક્ય છે એટલે બધી રીતમાં બનાવીએ છીએ।
अकाउंट्स में अपन ने शोविंग पर्पस के तो आपने सो देट हवे अमी छे तो करता तरीके अमी नु सर्वनाम सी हवे भूतकाल छे एटले कूड हवे प्राप्त करवु एटले गेट गुड मार्क्स रेडी चलो हवे आने इन ऑर्डर देट में फेरवो इन ऑर्डर देट से करता पछी कूड गेट गुड मार्क्स चलो हवे आपणे विथ व्यू टू में फेरवीए तो विथ व्यू टू पछी वी फोर आवे आईएनजी रूप एटले गेट नु आपणे गेटिंग करवु पड़े गेटिंग में गेट जे छे एमां छेल्ले व्यंजन आगळ स्वर एटले व्यंजन डबल करी आईएनजी गेटिंग गुड मार्क्स अने इन ऑर्डर टू में जारे बनावीए तो इन ऑर्डर टू एनी पछी वी वन एटले गेट गुड मार्क्स अने हजी एक वाक्य बने टू गेट गुड मार्क्स शू बनशे टू गेट गुड मार्क्स चलो हवे आगळ वाक्य छे एमां आपणने काउंस में जे रीतनुं दर्शावामां आवे ते रीतनुं बनावानुं छे दे वेन्ट टू आगरा तेओ आगरा गया तो तेओ शा माटे आगरा गया तो नेचरली आपणा माइंड नी अंदर आवशे ताजमहल जोवा तो जोवानुं इंग्लिश थाय सी काउंस में आपने कीधु से सो देट अने शोविंग पर्पज तो हवे एनो मतलब एवो थयो कि आ वाक्य सो देट थी ज बनावानुं छे तो सो देट हवे करता मूकवानुं छे ते पछी केन अथवा कूड तो वेंट भूतकाल छे एटले कूड हवे जोवाने कहेशुं सी थता ज ओके नेक्स्ट I walk fast. काउंस में जो आपने इन ऑर्डर टू यूज करवानुं कीधुं छे तो आपणे फास्ट चाल्या शा माटे तो झड़पथी पहोंचवा वेला पहोंचवा तो पहोंचवानुं अंग्रेजी शुं थयुं रीच तो हवे इन ऑर्डर टू पहोंचवाने कहेशुं रीच अने वेला माटे अर्ली ओके करण वेंट टू यूएसए तो करण क्या गयो यूएसए शा माटे तो काउंस में आपने शब्द नोटिफाई करेलो छे गेट अने पर्पज हवे आमां जो पर्पज कीधु छे पण कई कीधु नथी आपने तो सो देट इन ऑर्डर देट विथ यू टू इन ऑर्डर टू चार माथी कोई पण यूज करिए पण आपणा जवाब में गेट वर्ब आवुं जोईए तो हायर एज्युकेशन प्राप्त करवा गयो तो सो देट थी बनावीए सो देट करण माटे ही पछी कूड गेट द हायर एज्युकेशन ओके चलो नेहा प्रेक्टिसिज हार्ड तो एनो मतलब कि आ वर्तमान काल छे काउंस में आपने इन ऑर्डर टू आपेलू छे तो नेहाए खूब ज प्रेक्टिस करी शा माटे तो के भाई जीत मेळवा माटे विन थवा माटे कोई गेम में तो इन ऑर्डर देट नेहा माटे शी हवे केन आवशे वर्तमान छे एटले केन विन ध गेम चलो हवे एनुं वाक्य छे एमां सो देट अने गेट आपेलू छे तो बंने यूज थवा जोईए वर्क हार्ड खूब ज मेहनत करो सो देट હવે વર્ક ક્રિયાપદથી શરૂ થયું છે તો ક્રિયાપદથી શરૂ થાય એવા વાક્ય આજ્ઞાર્થ વાક્ય હોય એવું આગળના ટોપિકમાં પણ આપણે શીખી ગયા તો એનો કર્તા સામાન્ય રીતે યુ બને યુ કેન ગેટ ગુડ માર્ક્સ ઓપન ધ વિન્ડોઝ ચાલો બારીઓ ખોલો તો વિથ યુ ટુ
तो हवे आम आपणे करता मूकवानुं नथी, विथव यू टू पछी सीधुं आईएनजी, विथव यू टू गेट आप्युं छे तो गेट ना आईएनजी गेटिंग। चलो बारी खोलवा पाछळनो हेतु शुद्ध हवा लेवानो, गेटिंग फ्रेश एर। रन फास्ट काउंस में कीधु छे कैच अन पर्पज, तो शोविंग पर्पज में कैच, तो फास्ट दौड़ो शा माटे, बस पकड़वा ट्रेन पकड़वा। हवे कोई आपणने संयोजकनी वात करेली नथी तो आपणे सो देट मूकी, सो देट यू अज्ञार्थ वाक्य छे एटले करता यू कैन कैच द बस। जो आ वाक्य विथव यू टू में लखशो तो कैचिंग द बस, विथव यू टू कैचिंग द बस। इन ऑर्डर टू बनावशो तो इन ऑर्डर टू कैच द बस। लेट्स आप्युं छे तो अहीं लेट्स छे तो आनी अंदर अस होय अने अस नो करता बने वी, तो आ वाक्य में आपणे सो देट ने कारणे वी करता मूकशुं। तो पिकनिक जवानुं छे तो शा माटे, एन्जॉय करवा, तो सो देट हवे करता मूकशुं वी कैन एन्जॉय। पण जो आ वाक्य में विथव यू टू यूज करवानुं के तो आ करता नी जरूर नहीं पड़े, विथव यू टू एन्जॉयिंग, इन ऑर्डर टू एन्जॉय। लास्ट वन, हवे जो आमां ऊंधू वाक्य आप्युं छे आपणने, सो देट एवरी वन केन बाय, बाय एटले खरीदवू, जेथी करीने दरेक खरीदी शके, पर्पज दर्शावो। तो हवे अहीं कोई पण एवुं वाक्य बनावी के कोई वस्तु एवी लो प्राइसे वेचाती होय जेथी करीने दरेक व्यक्ति खरीदी शके, तो कोई पण करता मूकी देवानो दे सेल। अहीं केन वर्तमान छे तो आपणे सेल वर्तमान मूकवू पड़े, दे सेल ध ड्रेस एट लो प्राइस। ड्रेस न लखवू होय तो तमे कोई पण वस्तु लखी शको, कम्प्यूटर छे, लैपटॉप छे के अन्य कोई पण वस्तुनुं नाम, आपणने जे स्पेलिंग सरळ लागतो होय ते वस्तु लखाय। ओके, तो आपण आपणे 11मा धोरणનું રિવિઝન અથવા 11મા ધોરણનો ટોપિક સમજી લઈએ અને 12મા ધોરણમાં પૂછાય જ છે, તો હજી પણ તમારા આવા કોઈ પણ ટોપિક છે જે તમારા માઇન્ડની અંદર એવું લાગે કે તમને હાર્ડ લાગે છે તો એ મને કોમેન્ટમાં જરૂર લખજો। થેન્ક યુ વેરી મચ।